नमस्कार। सो ये अगेन मैं बाउंड्री वॉल के बाहर खड़ा हूँ और ये है करियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ। और फिर से देखिए कुछ मिस परसेप्शंस होती हैं जो शायद मेरा भी इस टूर में आके क्लियर हो रही हैं, और मैं ऐसे दावा नहीं करता कभी भी कि मैंने सारे कॉलेज देखे थे, जो भी देखते थे मैं वीडियो बनाता ही था। और कभी बार होता है कि आप एक सेकेंड हैंड फीडबैक लेते हो, वो कभी बार ठीक होती है कभी बार गलत होती है, बट वैन यू कम यू टॉक टू स्टूडेंट्स। तो देखिए बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये MBBS के नहीं है, शायद नर्सिंग के या किसी और सब्जेक्ट फिजियोथेरेपी के होंगे, तो यह काफ़ी सारे कोर्सेज मेडिकल के होते हैं, BDS MDS भी होता है। ये वैसे कॉलेज चौड़ाई में ज़्यादा है, और ये जो सबसे बेस्ट बिल्डिंग है सामने नज़र आ रही है, जब मैं बाइक पे इसके अंदर गया तो वाकई ही थोड़ा टूटा फूटा हाल था, और ये बात सच्चा है। तो देखिए मुझे बाई चांस एक फोर्थ ईयर की दो लड़कियाँ मिल गई और बहुत अच्छी फीडबैक दी उन्होंने। उन्होंने बोला सर जब हम आए थे विच मीन 2018-19 में, तो ये कॉलेज हर लिहाज से ख़राब था। और वो लड़की एक तो बिहार साइड से थी, उसने बोला सर भाई धोखा हो गया, जिस भी काउंसलर ने हमें गाइड करा और सब कुछ ख़राब था, एकेडमिक भी, खाना पीना भी, रहना भी। खाना पीना और रहना अभी भी ख़राब है, एक रूम में 3-3 बच्चे हैं, मेस का खाना लाइक टिपिकल मेस खाना नॉन टेस्टी है, और मेजोरिटी ऑफ टाइम बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। रूम की क्वालिटी, कॉमन वॉशरूम, वो सब भी ऐसे ही हैं। कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ फीस देते हैं और बाहर रहते हैं, तो फीस तो ये लोग छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो एक इम्प्रूवमेंट है वो है एकेडमिक को लेके। और जो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि लेक्चर्स लगते हैं 8 बजे के लेक्चर में, 7:59 पे टीचर्स भी आ जाते हैं, और इस समय दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हॉस्पिटल OPD भरा हुआ है। जी हाँ, तो OPD और मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है, पेशेंट फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, PG UG सब चल रहा है, और उसके हिसाब से फैकल्टी है। तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हम देखें ना, इट इज़ डूइंग वेरी गुड। रहना खाने में थोड़ी दिक्कत है ही, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शायद मेरे को भी एक आई ओपनर है, चाहे वो इंटीग्रल हो चाहे वो करियर, और मैं अभी इरा फिर भी पर्सनली देखूँगा, जबकि मुझे यही बताया गया है कि बिल्कुल भी मुस्लिम माइनॉरिटी वाली कोई फीलिंग नहीं है। फिर देखिए बहुत सारी बच्चियाँ जा रही हैं, तो एक आपको दिमाग में लगता है ना कि हाँ तो 90% सब लोग बुरके हिजाब में बाहर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर भी मैं था, देखिए भाई मुस्लिम कल्चर है, जो भी मुस्लिम पेशेंट्स थे जिसको भी बुरका हिजाब पहनना है वो पहन रहे हैं। लेकिन जिनकी भी मेरी स्टूडेंट से बात हुई, जो मुस्लिम स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपल्शन नहीं है, कोई प्रोफेसर्स नहीं है, वो इंग्लिश में गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। मैंने पूछा कि क्या आपको सुबह सुबह सलाम वालेकुम और यू नो वालेकुम सलाम बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब कॉलेज के अंदर भी गए, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह उर्दू में लिखा हुआ है या हर जगह इबादतें लिखी हुई हैं कुरान की और आपको पढ़ाई जा रही हैं, पढ़नी पड़ रही हैं। पॉइंट मेरा वही है कि बिल्कुल भी मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अलफला मैंने देखा हुआ था, इंटीग्रल मैंने देख लिया, करियर में आपको दिखा रहा हूँ। ये रोड जो जा रही है, इसे कानपुर रोड कहते हैं, बहुत शानदार हाईवे है। तो मेन लखनऊ सिटी से ये भी थोड़ा भाई 7-8 किलोमीटर बाहर पड़ेगा, लेकिन चलती सड़क है, आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा हाईवे है, और उस हाईवे के ऊपर ये कॉलेज है, और इसी हाईवे के आगे जाकर ही इस समय जाम खड़े हैं, उसी के निकट ही IIM लखनऊ है, और करियर से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे ही इरा मेडिकल कॉलेज है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हट के बिहार जंगल में हैं, जैसे कि मैंने आपको कृष्णा मोहन दिखाया था, या जैसे कि NCR मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं। मेरे पीछे कोई बंदे ने आग लगा दी है, तो वो बड़ा धुआं निकल रहा है, तो मैं थोड़ा साइड पर जाता हूँ। तो ये देखिए मतलब बहुत बढ़िया, जैसे कहते हैं ना, और पेशेंट्स लोग बहुत अच्छा है, लोग आ रहे हैं, लोग अपना इलाज करा रहे हैं। ये देखिए मेन गेट है, और फिर से मेरी जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि कैंपस के बाहर गेट तो नहीं बंद है कॉलेज का, तो नहीं है बंद, कोई भी आए कोई भी घुसे। ये सामने है और एक बसा हुआ चलता हुआ, बहुत सारे बच्चे, ये देखिए कॉलेज का गेट था, और बस ये आगे आगे अच्छा है, पीछे थोड़ा टूटा फूटा बिल्डिंग है। तो भाई मैंने कहा कि इंफ्रा उतना अच्छा नहीं है, पर इसकी फीस भी बहुत कम है करियर की। तो ये वो हाईवे जो मैं आपको बता रहा था, चलता हुआ हाईवे है, कोई ऐसा नहीं है कि कृष्णा मोहन की तरह आप अंदर घुस गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2-3 केमिस्ट बाहर हैं, एक फार्मा का बहुत बड़ा अंतर भी था, तो और लोग बहुत आ रहे हैं, 2:30 बजे के हिसाब से भी बहुत पेशेंट्स, बहुत OPDs में भरी हुई थी, एक्सरे रेडियोलॉजी सब चल रहा था। तो मोटा मोटी मैं यही कहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, और खाना पीना खुद मैनेज कर सकते हो, या आप बिना टेस्टी खाना खा सकते हो तो आप यहाँ आ सकते हो। अगर मैं सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूँ पेशेंट फ्लो के हिसाब से, तो मेयो से तो ही अच्छा है। तो जितने मैंने लखनऊ के देखे हैं फ़िलहाल, उसमें हिंद तो है, बात ही अलग है। इंटीग्रल बहुत अच्छा था,
मायो बहुत ही ख़राब था, और करियर ना उतना ख़राब नहीं है जितना एक परसेप्शन है। और फिर से मैं सबको समझाता हूँ हमेशा, भाई हमें कहीं से कोई कमीशन नहीं मिलती है। इंडिया में MBBS की एक एक सीट फुल हो जाती है, अल्लाह संटिल कोई काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, जो अभी तक चल रही है 2023 में, जिसकी वजह से कुछ सीटें ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ बैड काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। मतलब चाहे वो सत्या साई हो चेन्नई का, चाहे वो भारत मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो बिहार के सारे कॉलेज हो, एक एक कॉलेज की एक एक सीट भर जाती है। तो हमेशा इसी का ध्यान रखिए, किसी काउंसलर को किसी कॉलेज से कोई कमीशन नहीं मिलता। मैं एक्सरसाइज ये मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग सही डिसीजन लीजिए और किसी मिस परसेप्शन में रहकर अच्छे कॉलेज को ना छोड़ के घटिया कॉलेज ना ले लीजिए। करियर की फ़ीस भी कम है, शायद 1 लाख कम है, उसका पूरा पैकेज 80-82 का पड़ता है। तो 80-82 के पैकेज में अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो आप देख सकते हो कि पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, और जैसा मैंने कहा कि लोकेशन उतनी ख़राब नहीं है। अगर मैं इसको NC मेडिकल कॉलेज पानीपत से कंपेयर करूँगा ना, शायद मैं इसको पर्सनल लेवल पर ऊपर रखूँगा। तो मेरी स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिएगा फ्यूचर में। 9643362320 आप जानते हैं हमारा नंबर फॉर पेड काउंसलिंग, एंड यू ऑल्सो नो कि वी चार्ज इवन फॉर फर्स्ट टॉक। तो उसको हमेशा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।